अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने एक्सेल वर्कबुक की एक हार्ड कॉपी प्रिंट कर लो और उन्हें आप किसी को सेंड कर दो, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है प्रिंटिंग मैनों के लिए। इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं। जो हमारी लीफ एंड मोर्टार वाली वर्कबुक है LM Revenue 03, आप उसे ओपन कर लीजिए। अब हम प्रिंटिंग सीखेंगे। सबसे पहले आपको फाइल में जाना है। यहाँ पे देखिए, आपके पास एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमें इसे प्रीव्यू दे दिया कि ये किस तरह से यहाँ पे दिखेगा, जो हमारे डिफॉल्ट ऑप्शन सेट हैं उस हिसाब से। हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, दो पेजेस दिख रहे होंगे आपको। हम स्क्रॉल कर सकते हैं उन पेजेस के बिटवीन में, और नेविगेशन एरो के यूज से हम इसको ऊपर नीचे आगे पीछे भी कर सकते हैं, पेज 1 और पेज 2। ये जो है थोड़ा सा कुछ सेंस की बात बता रहा है, बिकॉज अगर हम ये लैंडस्केप मोड में होते तो ये शायद तक स्क्वीज होके फिट हो गया होता एक ही पेज पे, पर फिलहाल हम पोर्ट्रेट मोड पर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एक बिग प्रिंट बटन दिख रहा होगा, जो कि अभी हम प्रिंट के लिए रेडी नहीं हैं, बिकॉज हम यहाँ पे नीचे हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सिंपली हमें वहाँ पे क्लिक करना है ताकि आप वहाँ से चूज़ कर सको कि आप किस टाइप के प्रिंटर के साथ वर्क कर रहे हो। यहाँ पे आप सेटिंग्स कर सकते हो उनकी, कि किस टाइप की शीट्स आपको प्रिंट करनी है। सिर्फ एक्टिव शीट प्रिंट करनी है, पूरी वर्कबुक प्रिंट करनी है, या फिर आप कोई पर्टिकुलर एरिया जो सिलेक्टेड है वो प्रिंट करना चाहते हो। हम ये सारी चीज़ें इसमें से सेट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई एरिया सिलेक्टेड नहीं है, हम इसे फिलहाल के लिए एक्टिव शीट के ऊपर ही रहने देते हैं, जिस शीट पे हम अभी काम कर रहे हैं, हमारी वन एंड ओनली करंट वर्कबुक। अब यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे प्रिंटिंग के साइडिंग के ऑप्शन है कि आपको वन साइड प्रिंट करना है, डबल साइड करना है। आप ओरिएंटेशन चूज कर सकते हो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। हम ओरिएंटेशन में फिलहाल इसे लैंडस्केप कर देंगे। अब आप देखिए, जैसे ही हमने लैंडस्केप किया तो ये थोड़ा सा अब बेटर लग रहा है, फिर भी अभी दो पेजेस हैं और फिट नहीं हो पा रहा है। अगर आप यहाँ पे हिट करोगे एरो की को, तो आप देख सकते हो नवंबर और दिसंबर जो टोटल है वो हमारे इस पेज पे फिट नहीं हो पा रहे हैं, पर हम फर्दर्स अगर स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फिट हो जाते हैं। पर अगर हम यहाँ से जाके पेपर की साइज चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लीगल 8x1x2 ले लें या फिर 14 ले लें, तो हो सकता है ये हमारे यहाँ पे फिट हो जाए। और देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कुछ तो फिट आउट किया पर सारा नहीं हुआ। पर ये कोई ऑप्शन नहीं है, वापस हमें पेपर साइज पे जाके इसे स्विच करना पड़ेगा 8x1x2x11 पे। स्टिल ये अभी पोर्ट्रेट मोड में है। अब थोड़ी सी जगह और बनाने के लिए हम जो है बेसिकली मार्जिन्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे करंटली हम 7 पे सेट हैं, लेफ्ट राइट पर हैं। आप इसे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे हम थोड़े से नैरो कर देंगे ताकि मार्जिन्स जो हैं कम रहें, और जैसे हमने यहाँ पे करके रखे हैं 0.25 लेफ्ट और राइट पे। कस्टम मार्जिन्स भी सेट कर सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी मार्जिन नैरो कर रहे हैं ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, पर फिर भी अभी भी हमारे पास दिसंबर और टोटल की कॉलम यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्केलिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे और बहुत सारे अलग अलग फिटिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिटिंग टू वन पेज, ऑल कॉलम, और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, हमारी नहीं आ रही है इस शीट में, वो भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारी कॉलम्स हैं और मल्टीपल पेजेस भी हैं एक्स्ट्रा रो के लिए। हम इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, दैट इज़ हम सारी रोज जो है फिट करना चाहते हैं एक ही पेज पे कॉलम्स के बजाय। हम इस तरह से कर देंगे कि पूरी शीट एक ही पेज पे आ जाए। हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया, हमारी जो स्केलिंग के कारण यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइटली फिट हो गया ये हमारे अभी पेज पे, और हमारे मार्जिन से एकदम अटैच्ड है, ऑलमोस्ट अटैच है। ये अभी ठीक लग रहा है। अब हम प्रिंट के लिए रेडी हैं। यहाँ पे आप सिंपली जाके नंबर ऑफ कॉपीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कितनी कॉपी चाहिए, और जब भी हो जाए आप वापस प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हम हमारी वर्कबुक पे वापस आ गए हैं। जब भी आपको वर्कबुक की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप यहाँ से सारी सेटिंग्स कर पाओगे। थैंक यू एंड गुड बाय।